हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शगमीत आज आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही सुंदर विला जो कि एयरपोर्ट रोड की लोकेशन में रहने वाला है। दोस्तों सेक्टर 123 की प्राइम लोकेशन, प्रॉपर एक गेटेड सोसाइटी के अंदर के घर रहने वाला है। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन सारा ही आप इसका देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये आप सारा देख सकते हैं, इसका मेन गेट भी देख सकते हैं। एक गाड़ी की पार्किंग हमको अंदर ही मिल जाती है दोस्तों, और एक गाड़ी की पार्किंग हमको फ्रंट में मिलती है इसके बरम एरिया पे। ये आप देख सकते हैं सामने इसके वेलकम वॉल पे भी सारा ही टाइल वर्क किया गया है, और बीच में इसके काफ़ी अच्छे वुडन के डिज़ाइन दिए गए हैं। और ये सामने टू व्हीलर की पार्किंग प्लस आपकी टैप की प्रोविज़न भी दिया गया, अपने अपनी कार वॉश करनी है उसके लिए। स्टेयर्स जो रहने वाली है वो घर के बाहर से ही रहने वाली है दोस्तों, और स्टेयर्स के नीचे भी आपकी एक्स्ट्रा वुडन की स्टोरेज दी गई है। और ये आप सामने देख सकते हैं इसका मेन डोर जो कि स्टैंडर्ड 8 फिट का रहने वाला है, जिस पे हमको डिजिटल लॉक भी मिल रहा है। और एंटर करते ही ये आप देख सकते हैं इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, इसमें डाउन सीलिंग आपको सेम मिल रही है दोस्तों। जो बैक वॉल रहने वाली है वो प्रॉपर POP वॉल्स है, डिज़ाइनर वॉल है आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर LED लाइट्स के साथ ये डाउन सीलिंग में डिज़ाइन दिए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं क्रॉकरी के लिए बहुत ही सुंदर एक कैबिनेट बनाया गया है, और आपका LED पैनल भी इसमें दिया गया है। साथ ही लेफ्ट साइड में इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका मॉड्यूलर किचन प्रॉपर। अगर आपने ये विला एज इट इज़ भी लेना है, विद फर्नीचर भी मिल जाएगा, विदाउट फर्नीचर भी मिल जाएगा दोस्तों। जो इस घर का प्राइस है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसका किचन एरिया, प्रॉपर चिमनी लगा के, गैस स्टोव लगा के, डबल सिंक आपकी आ जाती है, साथ ही में एक विंडो आ जाएगी इसके ऊपर। और ये आपका पेंट्री एरिया, तो एक बहुत ही सुंदर घर, मॉडर्न हाउस ये रहने वाला है दोस्तों। जितने भी डोर्स आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड 8 फिट के इसके डोर्स रहने वाले हैं। और ये आ जाएगा इसका पहला बेडरूम, जिसकी डाउन सीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं बैक वॉल पे वॉलपेपर मिल रहा है, बेड लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी स्पेस इसमें बच जाती है। और ये सामने LED पैनल मिल रहा है, साथ ही में एक ड्रेसिंग के लिए यहाँ पर मिरर भी दिया गया है दोस्तों। और अटैच वॉशरूम आ जाएगा, वॉशरूम में भी वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही है, ब्रांडेड सीट्स जैगुआर ब्रांड की, और रूफ़ हाइट टाइल्स प्रॉपर हमको इसमें मिल रही है। और आप ये देख सकते हैं इसका अटैच वॉशरूम। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में दोस्तों। बहुत ही सुंदर ये विला रहने वाला है दोस्तों, रेडी टू मूव विला, नक्शा पास ये घर है, लोन अवेलेबल रहेगा दोस्तों इस पर। एयरपोर्ट रोड सेक्टर 123 की लोकेशन है ये, आप देख सकते हैं इसका सेकेंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी प्रॉपर रूफ हाइट कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, बैक वॉल पे वॉलपेपर, और साथ में आप देख सकते हैं ड्रेसिंग के लिए एक शीशा भी लगाया गया है। और ये अटैच वॉशरूम आ जाएगा दोस्तों, प्रॉपर रूफ हाइट की टाइल्स मिल रही है, 2x4 की फिटेड वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही है, और 2 BHK का पोर्शन कम्प्लीट आप देख सकते हैं, पूरा कम्प्लीट हमको ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहा है। और चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर पर भी आप देख सकते हैं स्टेयर्स एरिया पे प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया गया है, और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमको इसमें मिल जाती है दोस्तों। और साथ ही में हमारा फर्स्ट फ्लोर का आ जाता है बालकनी एरिया। फ्रंट एलिवेशन में भी आप देख सकते हैं सारा ही जो रेलिंग लगी है उसमें प्रॉपर ग्लास इसमें यूज़ किया गया है दोस्तों। तो ये इसका प्रॉपर एक बालकनी एरिया भी आप देख सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा एक मेन मास्टर बेडरूम हमारा, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोरिंग प्रॉपर वुडन टाइल्स की रहेगी, बैक वॉल पे भी डिज़ाइनर वॉल रहेगी दोस्तों, प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है, और फ्रंट में एक LED पैनल भी इसमें हमको मिल रहा है। और साथ ही में आप देख सकते हैं इसका जो ड्रेसिंग एरिया रहेगा वो सेपरेट रहेगा दोस्तों, और उसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया में भी प्रॉपर रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, और ये आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स के साथ, वॉल हैंगिंग सीट्स जैगुआर ब्रांड की फिटिंग्स लगा के इसमें आपको ये दिया जा रहा है दोस्तों। और साथ ही में हमारी जो इसमें मॉड्यूलर किचन भी मिल रही है दोस्तों, उसकी एंट्रेंस आपकी अंदर बेडरूम से भी रहेगी, और एक बाहर सेपरेट आपकी एंट्रेंस भी रहेगी इस किचन एरिया के लिए। और किचन में भी प्रॉपर हमको वुडन वर्क मिल रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों कि आज का घर, इसकी जो डिमांड रहने वाली है दोस्तों, एज इट इज़ अगर आप विदाउट फर्नीचर लेंगे तो 78-90 की डिमांड है, अगर आप विद फर्नीचर लेंगे तो 82 लैक्स की डिमांड है। इसकी विजिट के लिए, डिटेल्स के लिए दोस्तों हमें कॉल करें। थैंक यू।